सतना शहर के नई बस्ती क्षेत्र से दिन दहाड़े 4 वर्ष के मासूम का अपहरण कर लिया गया। अपहरण के बाद परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही है। फिरौती के तौर पर अपहर्ताओं द्वारा 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। अपहरण का सनसनीखेज मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने महज चंद घंटों के भीतर अपहृत मासूम को अर्ध बेहोशी की हालत में ढूंढ निकाला। मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। मासूम का अपहरण करने वाले चचेरे भाई और उसके एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक कोलगुमा थाना अंतर्गत नई बस्ती निवासी योगेश पांडे का 4 वर्षीय पुत्र अभय दोपहर 2 बजे के करीब घर के बाहर खेल रहा था। जब घर वापस काफी देर तक नहीं आया तो परिजनों ने अभय की तलाश शुरू कर दी। मोहल्ले भर में खोजबीन किए जाने पर जब जानकारी नहीं मिली तब पुलिस की मदद मांगी गई। इस बीच अपहृत अभय के परिजनों के पास फोन आया जिसमें 5 लाख रुपए की डिमांड करते हुए धमकाया गया कि बच्चा उनके पास है और अगर किसी की मदद ली तो अंजाम ठीक नहीं होगा। पुलिस ने अपहृत अभय के परिवार के सदस्यों और करीबियों की कुंडली एकत्र कर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि इसमें पुलिस को जो क्लू मिला है उसकी कहानी दिलचस्प है। जांच के दौरान पता चला कि घर के बाहर खेल रहे 4 वर्षीय अभय को उसके बड़े पापा के बेटे भोलू पांडे ने 10 रुपए देकर दुकान से नमकीन व अन्य सामान खरीदने को भेजा था। सामान खरीदने जाने के बाद ही अभय गायब हुआ। ये तथ्य भी सामने आए कि अभय के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने भोलू कोलगवा थाना गया लेकिन उसके हाव भाव ठीक नहीं समझ में आए। संदेह गहराने पर पुलिस ने भोलू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने अपने साथी शुभम प्यासी के साथ मिलकर अपहरण की वारदात को अंजाम देने और फिरौती वसूलने के प्लान का सच पुलिस के सामने उजागर कर दिया। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी गोलू नशे का आदी है और उसने कई लोगों से कर्ज ले रखा है। तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए उसने अपने साथी शुभम के साथ मिलकर चचेरे भाई के ही अपहरण का प्लान बनाया और फिरौती वसूलने के लिए फोन किया, लेकिन पुलिस के चंगुल से बहुत ज्यादा समय तक ये आरोपी बच नहीं पाए। 3 साढ़े 3 साल के बच्चे का अपहरण हुआ। घर वाले ढूंढते रहे, एक आध 2 घंटे के बाद में उसमें रैंसम कॉल आया जो एक इंटरनेट कॉल के माध्यम से घर वालों को पता चला कि 5 लाख का फिरौती मांग रहा है। तो हमारे एडिशनल SP, CSP और थाना प्रभारी कोलगवा के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। इसमें हमारे साइबर के टीम ने भी इसमें मुख्य भूमिका निभाई और 2-3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने बच्चे को सकुशल बरामद किया। साथ